पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कार्तिकीय संस्था द्वारा 12 दिवसीय शिविर जिसका शुभारंभ 21 मई को हुआ था, जिसके आज पांचवें दिन भी शिविर जारी रहा। शिविर में छात्र छात्राओं नाटकीय में विकसित पंडित द्वारा छात्र छात्राओं को आवाज का उतार चढ़ाव, डायलॉग डिलीवरी, मंच पर एंट्री और एग्जिट, एक्टिंग में रसों का महत्व, संवाद पर कंट्रोल आदि नाटकीय कला सिखाई गयी। तो वही निशांत और राघव ने छात्र छात्राओं को नृत्य में श्री गणेशाय नमः, घूमर घूमर आदि गानों पर नृत्य सिखाया, जिनमें छात्र छात्राओं ने मन लगाकर सीखा। ये कार्यक्रम 2 जून में टिमिट सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम में पंकज दर्पण, मुख्य प्रशिक्षक विपिन जैन, मधु गुप्ता, राजू टंडन, गौरव गोयल, रंजना मल्होत्रा, डॉक्टर भरत भूषण, स्वदेश, हर्षिता ठाकुर, एमपी बादल, प्रतिभा सारस्वत, प्रिया वर्मा, अलका राज, बालेश्वर आदि संस्था के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मुझे पंकज दर्पण अग्रवाल कहते हैं। शिविर ये हमारा 21 तारीख से शुरू हुआ है। हर साल हम लोग एकदम निःशुल्क एक्टिंग और डांस का कैंप कराया करते हैं। 21वां साल हमारा लगातार है और उद्देश्य हमारा यही है कि शहर भर के बच्चे इससे लाभान्वित हों, उनमें उनकी हिचक खत्म हो, उनमें आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा करने की भावना। मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि आज का समय सिर्फ वो समय नहीं है कि हम लट्टू तोता बने, किताबें खोल के हर समय याद करते रहें। हम आगे नहीं जा सकते जब तक हम खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, गतिविधियों में इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। मेरा नाम भूपेंद्र जैन है और जो यहाँ प्रशिक्षण है इसका मतलब है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। साधारणतः देखा जाता है बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं पर वो अंतर्मुखी होते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते। और आज के इस व्यवसायिक युग में बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना, लीडरशिप क्वालिटी का डेवलप होना, बच्चे के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने की काबिलियत होना, ये सब भी उतनी ही जरूरी है जितनी भी शिक्षा। अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि खाली पढ़ने से ही बच्चा आगे बढ़ सकता है, किंतु कदापि भी ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनलिटी डेवलपमेंट, अपने आप को व्यक्त करने की कला और उससे बढ़कर उनका कॉन्फिडेंस, ये सब कला के माध्यम से आता है और इसके लिए नाटक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसी के माध्यम से यहाँ काम करके बच्चों के अंदर योगदान डालने का प्रयास किया जा रहा है।